आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा, जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। बहनों और भाइयों, एक ओर देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है, परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लोग हैं, आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है।